भाइयों को नमस्कार सबका स्वागत करते हैं जी आपके अपने चैनल साहिल डेयरी फार्म पर दोस्तों वीडियोज के माध्यम से अच्छी और उम्दा नस्ल का मुर्रा पशुधन दिखाने का प्रयास और आज उसी प्रयास को बढ़ाते हुए जो आज की हमारी कवरेज है जी मैं बताना चाहूँगा हमारे चैनल के काफ़ी जाने माने चेहरे हैं भाई डॉक्टर मोनू और डॉक्टर मोनू के डेयरी फार्म से जितने भी हमने कवरेज की है काफ़ी अच्छा से अच्छा जो कि पशुधन है बाई के डेयरी फार्म पर हमें देखने को मिलता है तो आज की वीडियो जी बाई मोनू के डेयरी फार्म से सबसे पहले मैं आप लोगों को एड्रेस है वो ज़रूर बताना चाहूँगा गांव अहमदपुर और जिला लगता है जी रिवाड़ी हरियाणा से बिलोंग करते हैं जब जब हमने बाई के डेयरी फार्म से कवरेज की है चाहे मुरा हीफर हो या फिर हम बात करें तो कड़ गैबन बैस से काफ़ी अच्छी से अच्छी जो कि देखने को मिलती है तो आज की वीडियो में दो जो कि एक शानदार हीफर और एक काफ़ी शो क्वालिटी की एक जो कि गैबन बैंस जैसे कि आप जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं इसके हम भाई मोनू से डिटेल्स हम वो पूछेंगे लेकिन उससे पहले जो भी पशुपालक आपके अपने चैनल पर पहली बार जुड़ा है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं ताकि इन फ्यूचर हम जो भी न्यू वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए तो मिलवाते हैं भाई मोनू से और इस जोटी की डिटेल्स लेंगे भाई साहब नमस्कार नमस्कार भाई साहब कैसे हो भाई साहब भाई साहब बढ़िया है सब भाइयों को को जो वीडियो सभी हाथ जोड़कर नमस्कार बहुत बहुत धन्यवाद तो आज की वीडियो काफी दिनों के बाद आपके डेयरी फार्म से कवरेज कर रहे हैं जी जी भाई तो बीच में क्या हो गया था भाई पशु नहीं थे अच्छा मिल नहीं रहे थे भी और थोड़ा गर्मी के सीजन थे इस कारण से लेके नहीं, नहीं आ रहे लेके नहीं आ रहे तो आज दो पशु दिखाएंगे हमारे इस वीडियो में दो दिखाएंगे तो शुरुआत करेंगे हम जी पहले नंबर पर इसके डिटेल्स बताएंगे कौन से लैक्टेशन में दूसरे देहात में जाएगी अच्छा और ये आठवें में पच्चीस तारीख को ज्ञापन लग जाएगी पच्चीस तारीख को आठवें महीने में ज्ञापन लग जाएगी ठीक है सेल हो गई है अच्छा सेल हो गई है तो कहाँ पे जाएगी ये जाएगी भाई से मिलवा देंगे अच्छा मिलवाएंगे वीडियो में ठीक है और ये इसको खारके को साढ़े चौदह पंद्रह किलो दूध दे रखा है अच्छा के ने साढ़े चौदह से पंद्रह किलो जो की दूध है वो दिया हुआ है तो इसको जो परचेज करने के लिए आए हुए हैं उनसे भी आप लोगों को मिलाना चाहेंगे तो आ जाएंगे भाई साहब आप आ जाए और भाई साहब नमस्कार, नमस्कार सबसे पहले आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे भाई साहब आशीष तो एड्रेस जरूर बताएं एक बार इशार में उगाड़न गाँव है तो आपका सेल परचेज का काम है हाँ भाई दिवेश, दिवेश। अच्छा मतलब तो भाई ताजी मतलब ग्यान वैसे खरीदते हैं और अगर, अगर काविंग करती है जब उसको सेल भी कर देते हैं तो सेल परचेज का काम हम मान सकते हैं तो आपको यहाँ से लगभग आपने मेरे से बताया भाई था कि यहाँ से आप कितने पैसे यहाँ से परचेज करके लेके गए आप पाँच सात पैसे तो विश्वास का काम है हाँ। विश्वास का काम हर बार आपको क्वालिटी वाला ही पशुधन देखने को मिलता तो बिक्री के लिए लेके जा रहे हैं तो भाई साहब ने जो बातें हैं वो बताई झोटी आप जैसे कि इतनी दूर से आप लेके आए सीधा गाड़ी ही लेके आए हैं हाँ। तो जैसी जो बात बताते हैं हाँ। परचेज करके लेके गए हैं हाँ। तो झोटी का रेट ओपन करना चाहिए या फिर नहीं करना कर चाहिए देंगे कर देंगे वीडियो में तो कितने रुपए में सेल की है सत्तर हजार रुपए की जो की झोटी है ये सेल की है तो साथ में भाई साहब कुछ काफ है या फिर नहीं भाई कटिया अच्छा, है इसके नीचे जो कि फर्स्ट इलेक्ट्रेशन में M29 की, जो कि की फीमेल काफ थी हाँ। तो अब की बार भी इसको M29 से तो का है। का देते हैं कहा से लाते हो कहा बेचते हो हाँ, तो हाँ। इसलिए हमें बेस्ट इसकी माफ को दिखा देते हैं हाँ जी हाँ जी तो एक बार डॉक्टर इसको एक बार खोल के चला के दिखाए बताना चाहूंगा जी क्वालिटी में काफी अच्छी है बात करें रंग है जोटी का काफ़ी अच्छा वेट आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जो अच्छी अच्छी जो चैंपियन जो, जो जोटियाँ होती है वैसा शरीर जोटी का आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जी चोड़े पिट पुट्ठे की और नीचे से काफ़ी साफ सुथरी जो सींगों की जो बनावट आप यहाँ पे देख पा रहे हैं बिल्कुल छोटा सींग है जी हाइट लेंथ काफ़ी अच्छी ये देख सकते हैं जी पीट क्वालिटी जोटी की काफ़ी अच्छी और नीचे से आप लोगों को कवर करके दिखाना चाहेंगे जी ये देख सकते हैं काफी है जो कि आने वाले टाइम में जैसे जैसे उस पर आएगी तो और भी काफी अच्छा खासा आर्डर विकसित जोटी आराम से करेगी टाइल में कुछ ही बाल वाइट है बाकी की पूरी ब्लैक है एम चार सो सोलह की खुद है भाई साहब एम चार सौ सोलह की खुद है ठीक है कई भाई कह देते कहा से है क्या है हाँ। ये पहले बोल रहे थे बेचेंगे तो महीने में एक बेचेंग, बेचेंग बेचेंगे बेचेंगे चीज बेचेंगे क्वालिटी ही बेचेंगे क्वालिटी ही बेचेंगे ठीक है और जो बात बताई भाई ये पूछ लो भी बहस जा रही है अच्छा नीचे से कमी मिलती हो समय में झूठ मिलती हो तो मैं इस बात का कि तो पैसा दूंगा जी। बहुत अच्छी बात है भाई साहब तो ये देख सकते हैं जी बारम्बार जो की यहाँ पे जो पशुपालक भाई है जो एक बार पशु खरीदने के बाद यहाँ दोबारा आ रहे हैं तो मान सकते हैं कहीं ना कहीं एक जो हमारे डॉक्टर मोनू है वेटनरी डॉक्टर है और जैसे कि बताया कि एक या फिर दो पशु महीने में बेच लेंगे लेकिन क्वालिटी वाला ही जो कि पशुधन है अपने डेयरी फार्म से जो कि सेल है वो करेंगे तो इसके साथ में जो पिछले जो फर्स्ट टाइम की जो फीमेल काफ थी वो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जी काफ़ी अच्छी हेड की क्वालिटी आप यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल छोटा सींग है जी लेंथ आप यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल अपनी माँ की तरह जो बिल्कुल चौड़े पीठ पुठे की और अभी फिलहाल कितनी कटी है भाई ग्यारह महीने की हो चुकी है और नीचे से आप लोगों को जरूर कवर करके दिखाना चाहेंगे जी जो बड़ी बड़ी जो ग्यापीन कटरियाँ होती हैं वैसा जो कि अभी इसमें थड़ों में जो स्पेस वगैरह और ये देख सकते हैं जी बिल्कुल मुठिया आकार के थड़ आने वाले टाइम में जो उट्टी है जो हीफर है ये बना के लेके आएगी ये देख सकते हैं जी काफ़ी अच्छी है तो एम ट्वेंटी नाइन की खुद है और ग्यारह मंथ की एज की खुद है तो डॉक्टर ये बिक्री के लिए उपलब्ध है बिक्री के लिए ये तो इसलिए दिखाइए कई भाई नो कह देते कहां से। हाँ, इसकी माँ ये अब देख लो हाँ जी हाँ जी बायस हो तो गाडी में चढ़ा लो भाई न्यारी न्यारी बोल ली बिल्कुल बिल्कुल तो ये देख सकते हैं जी तो ये बिक्री के लिए उपलब्ध है जी भाई साहब बिक्री तो रेट ओपन करना चाहिए रेट करेंगे रेट मुक्की का करेंगे ठीक है तो रेट इस हीफ्र का जो कि मौके पर करना चाहेंगे जो जो स्पेशली फिलहाल मार्केट में मुरा हीफरों की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है क्योंकि कहीं ना कहीं जो पशुपालक भाई कहते हैं कि अच्छी बैसों को जो कि अच्छी बैसों की कटड़ियों को कोई भी जो कि सेल है वो नहीं करता लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं जी कहीं ना कहीं एक मजबूरी होने के कारण से जो हमारे पशुपालक भाई हैं जो कि पशुधन को सेल करते हैं तो आ, इसको जो कि भाई साहब परचेज करके लेके आए हैं और साथ में जो कि फ़ीमेल का पिछले लैक्टेशन की इसके नीचे है और इसने जो कि फर्स्ट लैक्टेशन में चौदह से पंद्रह किलो दूध दिया हुआ है और ये सेल होकर हिसार में जा रही है तो रेगुलर रूटीन से हमारे जो कि स्क्रीन पर भी जो कि बाई का कॉन्टैक्ट नंबर है वो चल रहा है आप पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं ये देख सकते हैं जी जो कि पकड़ाते हुए और ये देख सकते हैं जी ये देख सकते हैं खूब आपको लेनिया रही जी खूब आपको अच्छा मुनाफा दे और आपके घर पर खूब अच्छी तरह से सेट हो ठीक है भाई साहब ले चलें ये देख सकते हैं जी तो आशा करें कि आज की जो हमारी कवरेज है डॉक्टर मोनू के डेयरी फार्म से आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी वीडियो पसंद आए तो जी वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें जी फिर मिलेंगे किसी किसान के घर या फिर व्यापारी वर्ग के भाई के पास तब तक सभी पशुपालक भाइयों को नमस्कार सत श राम राम सलाम